हतरा बिजली पीछे नहीं हो रहा क्या? और ये है अथर्व का केक। Hey guys, welcome back to my new vlog। और आज अथर्व होने वाला है 3 months, he will turn into 3 months। तो अभी उससे मिलवाने से पहले और सब क्या क्या कर रहे हैं उसको जानने से पहले मैं पहले चढ़ा दूँ सांभर। मैं बना रही हूँ सांभर इडली, तो पहले सांभर चढ़ा देती हूँ, फिर इसको सीटी लग जाएगी, फिर मैं इडली बनाऊँगी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, मतलब इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है ना, और कैसे बनाती हूँ वो भी देख लेना। और पहले चढ़ा दूँ फिर चलते हैं अंदर वो क्या कर रहा है। ओके, और केक भी कट करने वाले हैं हम। और हाँ, एक चीज़ और बताने वाली हूँ, तो अभी फटाफट पहले ये निपटा दूँ फिर मैं बताती हूँ बाद में है क्या एक्जैक्टली। ये गाइस, मैंने दालें भिगो ली थी और पानी मेरा बॉयल हो चुका है, पहले इसको उबालूंगी ना, और जितने जो भी वेजिटेबल्स वगैरह डालनी है वो डाल लूँगी, फिर इसको एक सीटी लगा लूँगी। और पहले मैं इसे धो लेती हूँ। तो ये है अरहर की दाल। और मुझे कमेंट भी आया था कि आप जो भी बनाते हो रेसिपी प्लीज़ बताया करो कैसे करते हो, तो आज मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस चलूँगी। एक चम्मच नमक डाल के इसे छोड़ दूँगी, एक सीटी लग जाएगी, बहुत है। बाकी जब इसका मैं मसाला रेडी करूँगी ना तो तब डालेंगे। और गाइस, मैंने ना अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें डाली है और वेजिटेबल्स वगैरह कुछ ही डाली, क्योंकि ना हमारे पास अभी वो है ना सांभर मसाला होता है वो है, तो हमें वेजिटेबल्स की ज़रूरत है। मतलब वैसे आप क्या शिमला मिर्च, कद्दू, आलू ये सब डाल सकते हो उस, मतलब बाहर जैसा फ्लेवर देने के, लेकिन मेरे को बाहर जैसा फ्लेवर ऐसे सिंपल में बन जाता है। तो फटाफट से लगा देती हूँ सीटी। अब उसमें सीटी तो लग चुकी है कुकर में, मैं फटाफट से इडली घोल रही हूँ, क्योंकि इसको भी ना 5-10 मिनट रखना पड़ता है। तो 3 कटोरी डालूंगी भाई। आप फिर मेरे को आप कंप्लेन मत करना, कमेंट करके कि आप रेसिपी नहीं बताते बस बनाते रहते हो। तो देख लो, 3 कटोरी में 1 कटोरी दही डालूंगी, सूजी बहुत साफ है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी छानने की, लेकिन आप छान के कर लेना। मैं तो एकदम चेक करके देखती है, बिल्कुल साफ सुथरी थी। अब बस 1 कटोरी दही, 3 कटोरी सूजी में 1 कटोरी दही। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में मुझे अपना रेसिपी चैनल, कुकिंग चैनल ना शुरू करना पड़ जाए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कुकिंग चैनल शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं, आप हमारे ब्लॉग के थ्रू देखते रहना। अब मैं 1 कटोरी दही डाल दूँ 3 कटोरी सूजी में। मैं इसमें डालूंगी हल्का सा नमक, आधी चम्मच जितना। दही डाली थी इसको फटाफट मिक्स कर लूँ, फिर पानी डाल लेंगे। ये सूजी वाली इडली मुझे अच्छी लगती है, मुझे बाहर वाली इडली, मतलब जो पैकेट वाली आती है ना रेडीमेड, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये सबसे फ्रेश भी होती है। तो तभी मेरा इडली या फैमिली में किसी का इडली बनाना होता है ना, तो मैं तो घर ही बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि साफ सुथरी फ्रेश गर्म गर्म, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, पेट भर ले। मतलब बाहर सब कितनी ले आओगे बाबा, 10 ले आओगे, 8 ले आओगे, 5 ले आओगे, लेकिन घर में तो अनकम्फर्टेबल बनेगी, पेट भर के खा लो और अपना आराम से जो भी लंच टाइम ब्रेकफास्ट टाइम जो भी आपको सूटेबल लगे उस टाइम बनाओ और खाओ, और पेट भर के सांभर भी घर, इडली भी घर। और मैं पता क्या करती हूँ, जब मेरी इडली, मतलब जैसे घर में तो बहुत सारी क्वान्टिटी में बन जाती है, तो जब इडली ज़्यादा बच जाती है ना, सिर्फ इडली और सांभर ख़त्म हो गया, तो मैं अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या करती हूँ, इडली फ्राई कर देती हूँ, तो वो इतनी टेस्टी लगती है ना, तो मतलब लाइक लाइट वेटेड ब्रेकफास्ट हो जाता है अपना, और सब खुश भी हो जाते हैं, और बस्ती भी नहीं, आइटम ख़राब भी नहीं जाती, और लग भी जाती है राई प्याज में, और टमाटो सॉस डाल के थोड़ी सी फ्राई कर लो, बहुत अच्छी बनती है। अभी जब मैं इसको बैटर को घोलूँगी ना, इसे अभी मेरे को एटलीस्ट 10 मिनट्स रखना है। मैं इसे गैस पे नहीं बनाने वाली, मैं इसे बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव में, क्योंकि माइक्रोवेव में बहुत ही जल्दी इंस्टेंट और फुली फुली बनती है, एकदम सॉफ्ट। अब ये मैं सांभर का बना रही हूँ छोका, या अदरक अभी करूँगी, कभी कस लहसुन और टमाटर बनाती हूँ फटाफट से। और अब देखते हैं सब क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं शेडो से। शेडो जी तो अपना खाने में व्यस्त है, मस्त है, उसे कोई मतलब नहीं दुनिया से। हमारे साथ साथ इसका भी खाने का टाइम हो गया। वेरी गुड शेडो, शेडो खाओ खाओ, वेरी गुड।
हमें रूम में अभी कोई नहीं फिलहाल, बाबू उधर में दादा दादी। मेरा घर में आराम से बैठा है दादा दादी पास। हाँ बहुत बातें करनी है आपको, बहुत बातें चल रही है। किससे कर रहे बातें ये बताओ, दादा से दादी से? दोनों से। सही है, एंजॉय करो अपना। ये भैया अपना जरा एडिटिंग वेडिटिंग में बिजी। क्या खाना है आज क्या खाना है आज डिनर में? नींद आ रही है जरा, कब बनेगा? नींद आ रही है। लोगों की दुआ खाएंगे हम। दुआ? क्या बात, आज नुकसान हो गया है बेचारे का, तो मूड थोड़ा ऑफ है बेचारा। नहीं थोड़ा लगता है ना दुख, कोई चीज चली जाए तो मंदे में नुकसान हो गया। हाँ मंदे में नुकसान हो गया, ऑक्सीजन चल रहा है। गया क्या ये तो बता दो। देख सकते हैं आप दुख। कोई नहीं, इससे इससे कम अहमियत नहीं थी उसकी। हाँ इसके बराबर ही था वो। हाँ वन प्लस का कॉलर हेडफोन, कॉलर हेडफोन। टेंशन ना ले भाई, नया मिलेगा, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ना। बस चिल चिल रहने का, अभी सांभर इडली खाने का। आप कहाँ घूम रहे हो? मैं ऐसे घूम के आया हूँ जरा, मैं किचन में देख रहा था क्या बन रहा है। हाँ तो वह तेल जलने की बदबू आ रही थी बहुत गंदी, मैं बदबू सुन के आया। कुछ भी, कुछ बना, गरम हो रहा है वो। कुछ बना रही है? हाँ बना रही है ना इडली सांभर आपके लिए। ये हमारे कॉन्टिनेंटल फूड खाने वाले, कॉन्टिनेंटल फूड खाने वाले। 12:30 हो गए रात के। शैडो आपको भी कुछ चाहिए? रात के 12:30 शैडो आपको भी कुछ चाहिए? अरे शैडो को छोड़ो। अरे शैडो शैडो हमें दिखाओ, आपको भी कुछ चाहिए? अरे शैडो को छोड़ो, रात के 12:30 बज रहे हैं। हाँ बस इतना, अभी अथर्व का केक कट करना है 12:30 का केक कट करना है। कुछ भी टाइम दिखाई, 12:30 हो गए बेटे, खाना कब देगी तू? कम कम कम, आप ना बहुत बहुत ज्यादा बोल रहे हो अभी। ये लो मैं कम कम, तू ज्यादा चल। नहीं मैं ज्यादा, मैं ज्यादा तभी बोरी लग रही, हील पालूंगी क्या? अभी भी छाती तक आ रही है। चल बेटे जा, चल चल बेटे जाओ, जाओ बेटे जाओ, रसोई में काम करो बेटे, जाओ बेटे। मैंने राई तो डाल दी नहीं। हरी मिर्ची भी डाली आपने? वो नहीं, हम तो खाता ही नहीं मिर्ची। मिर्ची की वजह से हमें घर बनाना पड़ता है, बाहर बहुत इतना स्पाइसी तीखा अपन कैसे बनाते हैं। हमें थोड़े को अलग से राई का छोका लगाना पड़ेगा। बस फटाफट इन्हें डालेंगे, इसे चढ़ाएंगे, गाढ़ा हो गया थोड़ा सा ना, थोड़ा पानी डाल के उससे थोड़ा सा ठीक करूँ कंसिस्टेंसी इसकी। ये हमारे माइक्रोवेव वाला है ना, तो उसमें मुझे कोई रिफाइंड वगैरह घी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप गैस पे बनाओगे तो आपको रिफाइंड लगाना जरूरी है, तो वो चिपक जाएंगे। कोई एल्यूमिनियम वाला होता है ना इडली स्टैंड, तो उसमें लगाना पड़ता है। बट ये ओवन वाला है, माइक्रोवेव वाला है, तो इसमें मुझे कोई नीड नहीं है। छः मिनट के लिए रख दिया मैंने इसको, फटाफट से कुकर खोल देती हूँ, छोका रेडी करती हूँ, मसाले में जीरा डालती हूँ, तब तक इडलियाँ बनती रहेंगी अपना। पहले मैं सबसे पहले नमक डालूँ, एक चम्मच मैंने इसमें भी डाला था, अभी थाई डाल कर देती हूँ। कम होगा तो बाद में ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन पहले कम में होना चाहिए। और ये मेरे पास सांभर मसाला है, पहले इसको मिक्स कर दूँ। वैसे तो बोलते कि जो सांभर का मसाला जो हम बनाते हैं ना, सांभर का मसाला जो बनाते हैं उसमें ना लोग इमली का पानी डालते हैं, खट्टा खट्टा टेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास इमली का पानी ना हो, बाई चांस इमली ना हो घर में, तो
आप अमचूर से काम चला सकते हैं तो मैं भी अमचूर डालूंगी। सांबर मसाले में कंजूसी नहीं करना, नहीं तो सांबर का टेस्ट कम और दाल का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो जैसे हम पाव भाजी बनाते हैं तो उसमें भी पाव भाजी मसाला ज़्यादा डलता है। मेरा मन तो एक दिन ना, अब ना मेरा एक दिन मन कर रहा है मोमोज घर के बनाने का, और पाव भाजी भी मन कर रही है, डोसा भी मैंने पीछे बना लिया था। जिस दिन जो मन करता है ना, मूड करता है, मैं बना लेती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि हाथ में आ रहा है, मन कर रहा है तो बनाओ, खुद खाओ, घर वालों को भी खिलाओ। बस लास्ट में ना अमचूर रह गया। इसको ना अमचूर को ना, हाँ अमचूर को मैं डाले, अमचूर को मैं डायरेक्ट इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर भी डाल दिया जस्ट फॉर फ्लेवर। तो अमचूर पाउडर कभी मसाले में तो डायरेक्ट डलता नहीं, ये डलेगा ऊपर से, तो मैं इसमें बॉईल में ही डाल देती हूँ अभी। हाँ जी, इडली हो गई रेडी, निकालते हैं बस फटाफट से, डाल दूँ। पूरी प्रॉपर सांभर वाली इस खुशबू आ गई। देखो कितनी इजीली उतर रही है, इजीली है, देखो। इसे कहते हैं इडली, इतनी फुली फुली और ना कितनी सॉफ्टली उतरेगी, और ना मैंने इसमें कोई तेल लगाया ना कुछ लगाया। ये लुक एट दिस, वाओ वाओ वाओ। तो मेरी इडली अब फाइनली रेडी है, इडली सांभर विद धनिया और पुदीने वाली चटनी के साथ। वैसे तो मैं मोस्टली जो है ना मूंगफली और चने वाली चटनी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ यूनिक सा ट्राई किया, इसके साथ भी अच्छी लगेगी। तो अभी रेडी है, अब फटाफट से खाना पीना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, अथर का केक कट करेंगे। और एक बात और बताने वाली हूँ इंटरेस्टिंग, जो हम करेंगे कल का डे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और परसों का भी। तो वो क्या है मैं भी थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले मैं खा लूँ पी लूँ सब खा पी लूँ, फिर मिलते थोड़ी। तो चलो हमारा तो ना अभी डिनर शुरू हो गया, अभी मिलते थोड़ी देर में, ठीक है। तानू क्या कर रहा है? ये कर लो, चश्मे ढूंढ रहा है क्या? आपका डैड बड़े चश्मे है बहुत ज्यादा, वाओ। और ये अथर्व का कच्चा, उसका प्रैम, और ये उसकी चट्टी। फाइनली डिनर कर लिया है, और इडली मस्त नी, बहुत 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 टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। और आप, हाँ ये बातें कर रहा है मेरे से। तो इडली तो सबने एंजॉय करी, सांभर इडली। और अब हम केक करेंगे कट। बाबू मेरा बेबी 3 मंथ्स का हो गया, ये हमारे पास टाइम भी था, हमने फटाफट ये बनाया, और हम भूल गए थे क्योंकि नहीं तो हम बाजार से बना बना ले आते। लेकिन हाँ ये देख लो, इसकी आवाज़ें सुन लो। माय बेबी टर्न इनटू 3, गॉड ब्लेस यू। केक कट करोगे? चलें दादू दादी पास, चलो ये भी कह रहे, चलो चलो, बहुत बातें करता है मेरा बच्चा, चलो। You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized.
push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you're there. You follow me anywhere I try to be alone. Happy birthday! Happy birthday! मैं कंप्यूटर की नाम गा पहले मंदिर कर दो. Yay! ये लो जी आप भी खाइए कृपया. मंदिर में रख दिया गया है ये लो जी अथर्व के नाम का रेड वेलवेट. अरे यार मम्मी ये लो आपके नाम का ये मेरे नाम का. तो बस अब अथर्व को आ रही है नींद. अब ये सोएगा और बहुत इसने एंजॉय कर लिया. हमने भी खा पी लिया और कल हम जाने वाले धनोल्टी. कल का डे बहुत है. तेरे को भी जाना है? तो कल हम जाने वाले धनोल्टी. वहाँ का भी एक्सप्लोर करेंगे. बहुत मजा आने वाला है. और सब पैक मैंने कर दिया. क्या पहनना है, क्या साथ में लेके जाना है. वी आर रेडी. और किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या होने वाला है इंटरेस्टिंग, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना. जुड़ा रहे हमारे चैनल पे फिर. तो अभी फुल पैकिंग चेकिंग हमारी हो चुकी है और वहाँ का एक्सप्लोर हम करने वाले. बहुत मजा आने वाला है. फुल रेडी है. तो अभी टाइम से सोएंगे तभी टाइम से जल्दी कल उठेंगे. ये देखो इतने बर्फ भी ले लिया. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. ये तो मेरा छोटा सा व्लॉग. और गाइज प्लीज़ मेरे को कंप्लेन मत करना. मैं फुल डे व्लॉग नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ माय बेबी. और जब ये सोता है तभी मैं कैमरा ऑन कर पाती हूँ. तो अगेन अब इसका रोना शुरू होने वाला है. मिस लॉग. तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर. और टिल देन टाटा टेक केयर बाय बाय. तब से हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.